के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 27 अक्टूबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वनटांगिया समुदाय के साथ मनाएंगे दिवाली, करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। फर्जी दस्तावेजों के साथ आरपीएफ ने किया एक टिकट जालसाज को गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के सहारे ऑनलाइन टिकट बनाकर करता था जालसाजी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडली समीक्षा बैठक। अपराध तथा अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। दिवाली पर 27 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाएंगे वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ दिवाली, देंगे कई सौगात। प्रकाश के पर्व दीपावली के अवसर पर मंडलायुक्त, आईजी, एडीजी एवं जिलाधिकारी ने सभी मंडल एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई दी। कहा, खुशी खुशी मनाए त्योहार, सुरक्षा के व्यापक है इंतजाम। मंडलायुक्त के अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, सड़क खोदने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति ले कार्यदायी संस्था, तभी करे खुदाई। निर्माण कार्यों में रखे गुणवत्ता का विशेष ध्यान। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में 14 और 15 नवंबर को लखनऊ में होने वाले मंथन कॉन्फ्रेंस को लेकर आयोजित हुई परामर्श समिति की बैठक। बाल संरक्षण एवं महिला कल्याण के लिए की गई तैयारियों की हुई समीक्षा। छोटी दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों पर उमड़ी भीड़, बाजार में नहीं दिखे चाइनीज पटाखे। विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित माँ लक्ष्मी की प्रतिमाओं की हो रही पूजा अर्चना। दीपावली पर के अवसर पर राप्ती नदी के तट पर किया गया दीपोत्सव, उतारी गई माँ राप्ती की आरती। दीयों की रोशनी से नहाया पूरा रीजनल स्टेडियम। खिलाड़ियों ने रंगोली सजाकर दिया जलाकर पूजा अर्चना कर मनाया दीपावली। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व आजाद हिंद चेतना मंच के तत्वाधान में शहीदों की प्रतिमाओं पर दीप जलाकर मनाई गई दीपावली।